मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हैप्पी न्यू ईयर माय डियर, एडवांस में बहुत एडवांस आप लोग। थैंक यू सो मच। नाउ हैप्पी न्यू ईयर। तेरे प्यार में बाबा, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया बाबा, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। जिस कंपनी का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। क्या बात है, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपको, डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर जी को, और हमारे हीरो जी को। वाह, अजब सिंह की गजब कहानी। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा टाइटल लग रहा है। मैं भी इस फिल्म का एक पार्ट हूँ, कहते ना कि हाँ हाँ बजा लो तालियां। जैसे दाल आप खाते हो जब तक तड़का नहीं लगता तो मजा नहीं आता, वैसे ही इस फिल्म में मेरा भी एक तड़का है। एक खतरनाक आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, और बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है पर फिल्म इज अ वेरी नाइस स्टोरी, रियलिटी पे फिल्म है, और आप प्ले कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सीरियस कैरेक्टर। दो दो हीरोइने हैं इस फिल्म में, बहुत यश जी, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर पूरी फिल्म में है, बहुत मजा आने वाला इस फिल्म को लेकर। मेरा आइटम सॉन्ग तो बहुत ही अमेजिंग, आप सबको बहुत पसंद आने वाला है आपका डेफिनेटली। फिल्म तो बहुत अच्छी बनने वाली है, पूरी शूटिंग मलेशिया, इंडिया एंड बैंकॉक, ये हर जगह अलग अलग जगह पे शूटिंग होने वाली है। एंड फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैं भी अभी 3 दिन पहले मुझे साइन किया गया, और ट्रस्ट मी जब मैंने गाना सुना तो मैंने कहा वाओ, ये गाना सिर्फ मेरे लिए बना है, और जब ये गाना आएगा उन्नी शीला लीला तो सबको खा जाएगा, इसलिए इट्स फैंटास्टिक नंबर। बिल्कुल लगे हाथ, लगे हाथ हम बुलाते हैं जिन्होंने खुला रह गया।
इंस्पायरिंग कहानी है और मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे बड़ा इसमें है कंटेंट स्ट्रॉन्ग है और इसकी कहानी का जो एक इशू है करप्शन और काला धन, इसको बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने जिस तरीके से, क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए बहुत ही डिटेल में काम किया हुआ है हर सीन के ऊपर, हर करेक्टर के ऊपर। मेरी शुभकामनाएं साथ में, और मेरा करेक्टर भी क्योंकि ज्यादा दिन में नहीं दे पा रहा था तो एक छोटा रोल गेस्ट प्रिंस टाइप कर रहा हूँ। अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग करेक्टर है। और मुझे पता है कि ये सर साथ में है अजब सिंह जी, तो मेरे ख्याल से फिल्म कहीं भी फटकेगी नहीं, कहीं भी नहीं फटकेगी, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग, एवरी मोमेंट ऑफ द फिल्म, एवरी मोमेंट ऑफ द स्टोरी, हर चीज उनको पता है। मुझे लगता है कि मेरी शुभकामनाएं और मेरा प्यार, मेरा आदर सबके लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अजब सिंह का दोस्त था, परमात्मा की बनाई हुई
इस लकीर को अजब सिंह ने चुनौती समझा और डट कर मुकाबला किया। कुछ लोग अवसर के सपने देखा करते हैं, कुछ लोग अवसर के पीछे चला करते हैं, लेकिन यह अजब सिंह अरे अवसर का निर्माण करता। नमस्कार। ट्रूली हैप्पी टुडे। विनोद जी के लिए वाकई में बहुत खुश हूं कि हमारी मुलाकात दिखाई 2 साल पहले हुई, तब से हम दोस्त बन गए और तब से वो जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो जो उनका जद्दोजहद चल रही है वो मैं देख रहा हूं। उनके मैडम आज यहाँ पे आके इस फिल्म का मुहूर्त छोड़ देते हुए वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है। मैं दुआ करूंगा कि आपकी ये फिल्म धुआं ना चले, ब्लॉकबस्टर हो जाए, अच्छा खासा बिजनेस करे। ऋषि मिश्रा जी राइटर डायरेक्टर इस फिल्म के साथ आपके सामने आ रहे हैं, ये हम इनका काम भी देख चुके हैं, एज एक्टर इनका काम मैं देख चुका हूँ। सो बहुत ही बेहतरीन इम्प्रोवाइज करने वाला एक्टर है। और मैं सिंह साहब को बधाई देना चाहूंगा कि सर हार्डेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अभी मोहरत शॉट में जिस तरीके से डायलॉग छाड़ा है, अच्छे अच्छे एक्टर की सत्यम गिरी हो जाती है। जो स्टाइल से और जो कॉन्फिडेंस से उन्होंने डायलॉग बोला है वाकई में दिल खुश हो गया। इन्होंने एक्चुअली इसके साथ साथ एक्टिंग ट्रेनिंग क्लासेस भी खोल ली थी हम जैसे लोगों के लिए। सो सर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो डार्लिंग, ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। मैं देख रहा हूँ शक्लों में सबको खाना खाना है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं राखी जी के हाथ में माइक देता हूँ। राखी जी दो शब्द नहीं, आप आए बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग फर्स्ट टाइम इतनी कॉन्फिडेंस से इतना अच्छा डायलॉग बोला तो फिल्म में क्या होने वाला है आप सब समझ सकते हैं। बहुत ही कमाल होने वाला है, फिल्म डेफिनेटली अमेजिंग बनने वाली है। डायरेक्टर साहब यहाँ, प्रोड्यूसर जी यहाँ पे खूब खूब पैसा लगा है इससे और इसे बढ़िया बनाए हैं, इसका प्रमोशन अमेजिंग कीजिए। प्राइस तो आपके साथ में है ही, यहाँ पे हर जगह के योगेश लखानी जी के लिए एक बार जोरदार ताली करना, ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। योगेश आवाज देते हैं, मुझे कहीं से खुशबू आई है, खुशबू सर ये योगेश भाई की। मार्स पे खाली आपको दो ही चीजें मिलेंगी, वो एक अपना जो यान गया हुआ है वो और इनके होर्डिंग्स जाकुटी भाई योगेश भाई का होर्डिंग करेंगे। और सुरेश जी मेरे को एक खुशबू आ रही है, पामेला जैन की खुशबू। प्रोड्यूस करने में कितनी मेहनत लगती है, मैं खुद प्रोड्यूस कर चुका हूँ तो जानता हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर विनोद कुमार जी, फॉर सिंह साहब, फॉर ऋषि मिश्रा जी, ये दोस्ती अच्छी खासी। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम एंड आई वुड रियली लाइक द फिल्म टू डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस ऑल्सो। न्यू ईयर आ रहा है।
क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे रहो, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे। अगले साल 2016 में एक छोटा सा धमाका होगा, सो नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ फिल्में खास पसंद नहीं आ रही थी। मराठी फिल्में कुछ अच्छी स्क्रिप्ट है तो मैंने वो कर ली, कुछ प्रोड्यूस कर ली, बट अभी 2016 में जो फिल्म आने वाली है वो I liked being a part of them and I hope people also enjoy. मैं खाली क्लैप देने आ रहा हूँ दोस्त, मैं खाली क्लैप देने आ रहा हूँ, आपको शायद पता है ना, मैं खाली दोस्ती के लिए क्लैप देने आया हूँ। गोलमाल 4 की बात हो रही है अभी, गोलमाल सॉरी गोलमाल का फिर नया सीक्वल आने वाले हैं, तो उसमें आप दिखाई देने वाले हैं? अगर रोहित ने चाहा तो जरूर दिखाई दूंगा। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, अब तक मुझे मेरे पास मेरी तरफ या मेरे से किसी ने बात नहीं की, कोई प्लान नहीं है दोस्त, काम करना है अच्छा खासा, अच्छे खासे पैसे कमाने, अच्छी फिल्में करनी है एंड आई होप दैट यू नो। आपके लिए अगर आप देखा जाए तो कुछ फिल्में नहीं आई, बकवास रहा, कुछ ज्यादा खास नहीं रहा, बकवास था। सो अभी सबसे पहले देखो बताता हूँ, मैं फिल्म में काम नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं खाली अपने दोस्त के लिए उनके लिए क्लास लेने आ गया बस, मैं और कुछ नहीं कर रहा, वो नहीं चाहते कि मैं किसी फिल्म में काम करूँ, बट हाँ अब पूछ क्या पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था सर कि अभी जितने भी हीरोज हैं सब बॉडी बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, आप कब सब इस अवतार में आएंगे? यार मैं एक्टिंग करता हूँ, बहुत है, कुछ नहीं कुछ नहीं, काम करना है, अच्छा खासा काम करना है, अगर अच्छा खासा काम मिला तो काम करना है, बाकी रेजोल्यूशन वगैरह कोई कुछ मानता नहीं, पहले 2 दिन के बाद सब लोग भूल जाते हैं रेजोल्यूशन, तो इसलिए करने का कोई मतलब नहीं है, जिस दिन आपको लगे कि आज से ये बंद करना चाहिए तब बंद करना चाहिए। यार ऑडियंस ऑडियंस के ऊपर है सारी बातें, अगर उनको फिल्म गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है तो उन्होंने नहीं देखनी चाहिए। मेरे को फिल्में अच्छी लगती है, इन जनरल मेरे को फिल्में अच्छी लगती है तो मैं फिल्में देखता हूँ, लेकिन द पॉइंट इज अगर ऑडियंस को फिल्में कोई अच्छी नहीं लगती तो जाके नहीं देखना चाहिए, प्रोड्यूसर को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए, या अगर ऑडियंस घर भर के जाके देखती है, अगर 50-60-100 करोड़ बनती है तो लोगों को अच्छी लग रही है तो प्रोड्यूसर और बनाएंगे, सिंपल एज दैट। इन फ्यूचर आप कोई इस तरह की फिल्में करने वाले हैं या फिर ऐसा इस तरह की, माने मैं समझा नहीं, मतलब एडल्ट ज्यादा लाइक कॉमेडी, हां कॉमेडी मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को फिल्मों में काम करना अच्छा लगता है, मैं जरूर करूंगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2016-2015 मेरा बकवास था लेकिन आई एम श्योर आपका अच्छा रहा होगा, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2016 भी आपका बहुत बढ़िया होगा। मैं आशिका बसेरा है, मैं राजस्थान से हूँ और मैंने बाहर 2 साल थिएटर किया है और मैं फिल्मों के अंदर बिल्कुल न्यू हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया फिल्म का, मेरी फर्स्ट फिल्म है और मैं इसमें एज ए लीड हीरोइन का काम कर रही हूँ जो कि IPS हीरोइन है और जो बहुत ही स्वीट है, प्यारी है, स्वीट भी है और देश के लिए कुछ करना चाहती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? फिल्म एक ऐसे विकलांग बच्चे की कहानी है जो पूरी जिंदगी गरीबी, शोषण, अत्याचार और काफी संघर्ष के बाद ये लड़का IAS के लिए चुना जाता है, आंख से लाचार, कान से नहीं सुनने वाला वो लड़का जब IAS में कम्पीट करता है तो उसका एक अलग से सेशन होता है, उसकी काउंसलिंग होती है और उसे IRS में उसको नौकरी दी जाती है, क्योंकि वो ना तो कलेक्टर बन सकता है, ना SP बन सकता है, ना डंडे भांग सकता है, तो वो IRS ऑफिसर बन के जमशेदपुर का इनकम टैक्स कमिश्नर बनता है। इनकम टैक्स कमिश्नर बनने के बाद वो काला धन जमा करने वाले लोगों के खिलाफ जो मुहिम चलाता है और जो तरीका अपनाता है बिना डंडे के, प्यार से, मोहब्बत में, आशिकी में, वो एक बड़ी बात होती है, वो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि किस तरह से काला धन को हम वापस ला सकते हैं, किस तरह से टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। इसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग है हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर का कि दोस्तों इनकम टैक्स भारत माता की सैलरी है और माता की सैलरी को कभी नहीं चुराना चाहिए, कभी नहीं छिपाना चाहिए, भारत माता की सैलरी है उसे नमस्ते करो और प्रदान करो,
यही इस फिल्म का। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स आए थे यहाँ पर? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा मैं नर्वस जरूर थी पर अब सब लोगों को देख इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत खुश हुई। और मैं यही कहना चाहूंगी कि इस फिल्म के माध्यम से कि टैक्स टाइम पे देना बहुत जरूरी होता है, कि देश के विकास के लिए सबसे अच्छी चीज है। फिल्म के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की है आपने? आज मुहूर्त था तो कब से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है? शूटिंग इसकी जल्दी शुरू होने वाली है, आई थिंक जनवरी में हम लोग जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अभी इसका शेड्यूल बन रहा है।